research class. method. True, yes, true. Research method and the quantitative techniques. And in that course, obviously, because I am brought up with economics, therefore, sometime examples from economics can be taken up. But I'll be addressing to the students of, especially to the social sciences, and also as I am told by you, and I had in the morning, I had interaction with you, wherein you told me that there are students from different discipline, education, science, and also from other disciplines also. So discipline for the research matter, it is not important, as Professor Sobhati was making the point. I also differ with due respect to Maya Shankarji, is a friend of mine, but I take that liberty because we keep meeting. So I say that on many points I differ with him, but that in the course of my deliberation, that points could be indirectly attempted to. But I'll concentrate on the research method as such. That was the topic you gave to me, and also how the quantities can be used to deal the aspects of ignorance, means what we do not know that we intend to know. So the question of research method, it is now that sab log hindi bhi samajh sakte hain jitne hamare participants hain. Hello sir. Yes sir. Ha, hindi, angrezi? Yes sir. English, only English, sometime people of different spring they cannot comprehend. So okay, a mixed language will be useful. Well, if you are रिसर्च मेथड का जो इशू है, जब ये शब्द हम प्रयोग करते हैं तो यूजुअली एज मींस पीपल टॉक ऑफ इट दैट वी थिंक व्हाट इज रिसर्च मेथड फॉर इकोनॉमिक्स, रिसर्च मेथड फॉर सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड फॉर सम डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल साइंसेज और फॉर दैट मैटर लाइफ साइंसेज. रिसर्च मेथड एक जनरल शब्द है जो कि अब करेंसी में है, और अगर इसको हम और पहले से लेते हैं तो रिसर्च मेथड का मतलब होता है एपिस्टेमोलॉजी, हाउ टू नो. और व्हेन यू से हाउ टू नो, तो इसका सीधा पहला जो दृष्टि हमारी है वो जाती है व्हाट टू नो. तो व्हाट टू नो का मतलब ट्रूथ, वी वांट टू नो द ट्रूथ, और वो ट्रूथ स्पेशली ट्रांसडिसिप्लिनरी है. इसलिए रिसर्च मेथड ट्रांसडिसिप्लिनरी है. ऐसा हम सोचें कि यह साइंस के लिए अलग से है और सोशल साइंस के अलग से होगा, या बहुत सी चीज़ें जो कि ह्यूमैनिटीज में हम करते हैं वो रिसर्च मेथड के बियॉन्ड है, तो हो सकता है कि पर्टिकुलर जब हम टैक्ट के लेवल पे, स्ट्रेटजी के लेवल पे और मेथड के लेवल पे आए तो उसका डिफरेंस होगा. लेकिन उसके पहले और जब सटल लेवल पर हम बात करें तो एपिस्टेमोलॉजिकल जो बिलीफ है हमारी, और उससे भी प्राइमरी अगर बिलीफ की हम बात करें तो जो हमारी ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ है वो एक क्लियर कट इंडिकेशन देगा. एंड एज योर ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ्स केप्ट चेंजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें कि मेजर समय जो है हमारा वो साइंटिफिसिज्म और साइंटिफिक्स का है, और हम कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक मेथड ये होना चाहिए, तो जिसको कि हम सब मिला के कहें साइंटिफिसिज्म, और वेस्टर्न वर्ल्ड में यानी ऑक्सीडेंटल नॉलेज में जिसकी शुरुआत 1600 से एज ऑफ रेशनलिज्म से जो होती है, और जिसमें बुद्धि को प्राइमरी माना गया, रेशियो रेशनलिज्म को प्राइमरी माना गया, और ये समझा गया कि हम रेशियो से, बुद्धि से चीज़ों को समझ सकते हैं. व्हेन द नॉलेज वाज ब्रॉट फ्रॉम हेवन टू द अर्थ, तब से इस साइंटिफिसिज्म की शुरुआत है डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. और अगर उसको हम देखें तो कामटे के बाद जब शब्द आया पॉजिटिविज्म, तो इस टोटल मेथड को जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं उसके लिए जो शब्द है दैट इज पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट रिसर्च. तो मेजर जो कोर्स ऑफ रिसर्च एंडियवर है दैट स्पैंस फ्रॉम मींस 1800 1900 एंड आल्सो टू द मिड ऑफ 20th सेंचुरी मींस अप टू 1950 इफ यू टॉक precisely or approximately, तो 1950 तक अगर हम देखें तो एक शासन है इस साइंटिफिसिज्म का.
साइंटिफिक्स का, और ये साइंटिफिक्स या कहें कि पॉजिटिविस्ट का जो अप्रोच है, ये पॉजिटिविस्ट अप्रोच कुछ बेसिक बिलीव्स पे डिपेंड करता है। ये चीजें बैकड्रॉप में हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वी हैव बीन थिंकिंग और टॉकिंग इन द टर्म्स, और यूजुअली वी थिंक दैट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव aspects are different and mathematics and quantities cannot address to those problems which are taken usually qualitatively. Even the qualitative aspect can be addressed by the quantitative tools. They only have to devise new techniques and new numerals to represent the phenomena that you are interested in. So is point ko make karne ke liye ki हमारा लक्ष्य क्या है और किस पर्टिकुलर पैराडाइम में हम लाई करते हैं अपने डिस्कशन को, इसमें एक शिफ्ट और ये चेंजिंग पैराडाइम को समझना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम 1950 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1950 की सुबह जब आप खत्म हुआ तो सुबह जब आप उठे तो वो ट्रेंड खत्म हो गया था। स्टिल 90% ऑफ द रिसर्च आर अंडरटेकन थ्रू द मेथड दैट इज डिफाइंड एज साइंटिफिक मेथड। आप अभी सोशल साइंस में जब ये करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये कितना सिग्निफिकेंट है। दैट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ये फिर से हमको उस प्रश्न तक ले जाता है जो कि पॉजिटिविज्म का बेसिक बिलीफ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज द ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ, नेचर ऑफ रियलिटी क्या है पॉजिटिविज्म में, व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ को एड्रेस कर रहे हैं 1600 से लेके इधर की रियलिटी, हम ये बिलीव करते हैं कि ट्रूथ इज वन एंड दैट इज यूनिवर्सल, और उसके और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो मैथमेटिक्स वाज एंड स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाज रिस्पोंडिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। और जब हम ये कहते हैं कि नहीं अब हमारा बिलीफ चेंज कर रहा है, द पैराडाइम इज चेंजिंग, और जब हम पैराडाइम कह रहे हैं तो थोड़ा अलग से अगर हम ये समझें कि व्हेन आई से दिस टर्म और आई प्रोनाउंस दिस टर्म पैराडाइम, तो दैट मीन्स 5-4 थिंग्स। Paradigm includes or it refers to 5-4 things. The first is your ontological belief, second is your epistemological belief, third is your methodology, fourth is your data, third is the analytical tool of your data, and finally is the relationship between the output and the policy prescription. All these five aspects taken together is represented by one world paradigm. So there is changing paradigm from positivism onwards, 1950 onwards, there is a change in paradigm, जिसको कि हम कहें तो वो post positivist समय हमारे पास 1950 के आगे वो post positivist है, और फिर नई नई समस्याएं हम देख रहे हैं, और उस post positivist ने जिन शब्दों को जिन चीजों को करेंसी में डाला, जिन समस्याओं की तरफ स्पेशली सोशल साइंस में, और उसके पैरेलल अगर देखें तो साइंस में भी वो शब्द वो चीजें हमको दिखाई देती हैं कि वो भी उनको एड्रेस कर रहा है। पोस्ट पॉजिटिविज्म में अगर देखें यानी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो हमारे टेक्निक्स हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, और पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जो हमारा मेथड बदल रहा है, और उसके बाद से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आज एक नई जो स्थिति कोविड के टर्म्स में अगर हम देखें, इसको अगर हम एक हजार्ड की तरह ले रहे हैं जिससे कि पूरा संसार प्रभावित है, और अगर हम ये मानते हैं कि द वर्ल्ड विल नेवर बी द सेम, है ना, तो फिर जब वर्ल्ड नेवर सेम होगा देन हाउ क्वांटिटी शुड बी टेकन अप, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और अब नए सिरे से हम इसको कैसे कर पाएंगे। और इस कॉन्टेक्स्ट में डिजिटाइजेशन और इन सारी चीजों को इसको हमको ले के इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। सॉरी, देयर वाज सम इंटरवेंशन। तो पॉजिटिविस्ट जो रिसर्च है उस समय जो क्वांटिटीज रिस्पॉन्ड कर रही हैं, पॉजिटिविस्ट रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, पॉजिटिविस्ट रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं, जिसमें पहला है एम्पिरिसिज्म। इट बिलीव्ड इन एम्पिरिसिज्म, इट बिलीव्ड इन डुओ ऑफ बॉडी एंड माइंड, it believes in value free knowledge, it believes in objectivity, it believes in quantification of things, it believes in only logic as a method of understanding, ki khali tark se buddhi se hum cheezon ko samajh sakte hain, aur iske bina pe
हमने जब ये तय कर लिया कि मेथड इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉट ऑफ रिसर्च वॉज अंडरटेकन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ टू डू रिसर्च इटसेल्फ, कैसे किया जाए, और इसलिए ये पूरा साइंटिफिसिज्म जो है ये मेथड बेस्ड है। तो मेथड में कुछ एकदम शर्तें गिवन है कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो डिफाइन करें तो उसमें शुरू होगा कि प्रेमिस हमारा क्लियर होना चाहिए, एसम्पशंस होने चाहिए, उसके बाद हाइपोथेसिस होगी, वो हाइपोथेसिस को सब्सटेंशिएट करने के लिए तीन तरीके के मेथड, तीन तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। पहला इन्फरेंस है, टेस्टिमनी है और एक्सपेरिमेंट है। इन तीनों चीजों को यूज किया जा सकता है। इससे जो कंक्लूजन निकलेगा अगर वो हाइपोथेसिस से मैच करे, देन हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, है ना। तो ये जो साइंटिफिक स्टेप्स हैं, इन साइंटिफिक स्टेप्स का ट्रांसलेशन हम क्वांटिटीज में कैसे करें, और क्वांटिटी ये जो उस समय जैसे लिबनीज ने कहा कि एनीथिंग कैन बी सॉल्व बाय मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से उससे कैसे करें। तो जब आपको मैथमेटिक्स में उसको ट्रांसलेट करना है तो देन यू वांट क्वांटिफिकेशन, तो फिर हम क्वांटिटीज को कैसे डिराइव करें। और एक बार जब ये क्वांटिटी हम डिराइव कर लेते हैं तो जो यूनिवर्स के बारे में क्वांटिटी हम डिराइव नहीं कर सकते, तो यू ऑलवेज डिराइव क्वांटिटीज अबाउट द सैंपल। तो इस सैंपल से यूनिवर्सल ट्रूथ को कैसे निकाला जाए। तो लंबे समय तक जो एंडियोवर है क्वांटिटीज का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, वो पे कैसे हम यूनिवर्स को डिराइव करें। तो यहाँ पे एक मैटर ऑफ बिलीफ है, यू बिलीव दैट देयर इज सम यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट। और जब हम ये करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, जब हम इस पे बिलीव करते हैं, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ का फॉर्म क्या है, इस पे फिर हमको वर्क करना पड़ता है। तो आर्गुमेंट ये कहता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ का फॉर्म नॉर्मल होगा, वो दैट इज गिवन बाय अ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कि हम नॉर्मल कहते हैं, है ना। तो व्हेन नॉर्मल वाज डिस्कवर्ड, इट वाज अंडरस्टूड, इट वाज टेकन एज अ डिस्कवरी, अल्टीमेट डिस्कवरी, कि अब तो हमने पा लिया कि हमारा यूनिवर्स इस तरीके का होगा। तो हर वो डिस्कशन जो कि हम नॉर्मल को ट्रू मान के और ये करते हैं कि सैंपल के बिना पे नॉर्मल से हम मैच करते हैं या किसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से मैच करते हैं, उस अंडरस्टैंडिंग को पैरामीट्रिक कहते हैं। तो लंबे समय तक जो हमारा पॉजिटिविस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो पैरामीट्रिक अंडरस्टैंडिंग को बिलोंग करता है। और जब हमारी एनालिसिस पैरामीट्रिक होती है, जब हम ये अश्यूम करते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं किसी यूनिवर्सल ट्रूथ में, तो हमारा टोटल मेथड डिफरेंट तरीके का हो जाता है, टोटल टेक्निक हमारी डिफरेंट तरीके की हो जाती है। उस सैंपल में उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, इसके लिए फिर हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्वांटिफाई करते हैं, और उसको क्वांटिफिकेशन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जैसे कि वो क्वांटिफिकेशन प्राइमरी लेवल पे हमेशा क्वेश्चनायर से आप डिटरमिन कर सकते हैं, अलग अलग समय पे उसको क्वेश्चन से डिटरमिन करें तो फिर वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है अगर आपने उसे नहीं किया तो। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे उससे रिलेटेड सूचनाओं को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ये जो सैंपल के आधार पे जो हम सूचना इकट्ठा करते हैं, इससे हम ये इन्फरेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन से ये कितना डिफरेंट है, और इस अंडरस्टैंडिंग में ये पॉपुलेशन से डिफरेंट नहीं है, इस क्वांटिटी को हम यूज करते हैं। तो अगर पॉपुलेशन से वो डिफरेंट नहीं होगा, दैट मीन्स सैंपल इज अ जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, देन द जजमेंट और द फॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलिसीज। तो ट्रूथ को हम फिर कैसे समझें, तो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो ट्रूथ होगा किसी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में, और या तो ट्रूथ होगा रिलेशनशिप के फॉर्म में। तो अगर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में है तो मीन, मीडियन, मोड, इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर रिलेशनशिप के फॉर्म में है तो टू वे रिलेशनशिप हो सकती है और या मल्टी वे रिलेशनशिप हो सकती है। अगर टू वे हो तो उसे बाईवेरिएट कहते हैं, और मल्टी वे अगर है तो उसे मल्टीवेरिएट कहते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने मेंशन किया था वो टू वे और रिग्रेशन के स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो अगर हम रिग्रेशन करते हैं यानी रिलेशनशिप को निकालते हैं पॉजिटिविस्ट कॉन्टेक्स्ट में अंडर द बिलीफ कि देयर इज सम पैरामेट्रिक वैल्यू, इस बिलीफ के तहत अगर करते हैं तो फिर हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि टू वे में कि एक वाई है जिसमें कि हम इंटरेस्टेड हैं और एक्स है जिसके कारण वाई में क्या चेंज होगा, इस चीज को हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो वाई अगर इसको कहें
कि x के शब्दों में हम y को डिटरमिन कर सकते हैं, तो मैथमेटिक्स के शब्द में इसे कहेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x। अब इसी फंक्शन को हमको समझना है, तो फंक्शन को सामान्य अर्थों में देखें, क्योंकि सारे लोग मैथमेटिक्स और इन चीजों से रिलेटेड नहीं है, तो फंक्शन को हम सीधे सीधे ये डिफाइन कर दें कि फंक्शन इज ए रूल। अगर फंक्शन रूल होगा तो वो रूल क्या है जिससे कि हम एक्स के शब्दों में वाई को डिटरमिन कर सके। तो उस रूल को डिफाइन करने के लिए क्वांटिटेटिवली हम बहुत सी मान्यताएं मानते हैं। इसलिए इसमें इसकी जो सबसे बड़ी फैलेसी है कि इट इज डिराइव्ड डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन असम्पशन एंड दोस असम्पशंस आर वेरी आर्टिफिशियल। ये सबको हमारे सारे उन रिसर्च स्कॉलर्स को समझ लेना चाहिए कि जिन असम्पशंस के बिना पे इस टेक्निक को हम लोगों ने डिफाइन किया है, इसको डेवलप किया है, या जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम इसका ऑफर करते हैं, दे ऑल प्रोसीडेड बाय वेरी स्ट्रिक्ट असम्पशंस। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y को हम x के शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा वेट है, ये डिपेंड करता है आयु पे, तो वेट इज फंक्शन ऑफ एज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा रूल है जो कि वेट को एज के शब्दों में डिफाइन कर सकता है। अब वो रूल क्या है वी नेवर नो, इसको हम नहीं जानते, तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सोल्यूशन तो ये हो कि मैथमेटिकली सॉल्व करें, और दूसरा तरीका ये होगा कि हम मान लें कि कुछ है और फिर उसके बाद उसमें देखें कि इससे हम सही सही बात कह पा रहे हैं कि नहीं, इससे सही प्रसिशन मिल रहा है कि नहीं, और फिर तब हम उसमें करेक्शन करते हैं। तो इसके लिए जो दूसरा तरीका है, इसमें उसी एज ऑफ रेशनलिज्म में बेकन ने कहा था कि यू कैन लर्न बाई एरर्स बट नॉट बाई कन्फ्यूजन। तो ये मान के कि ये गलत है, वाई एफ एक्स जब हम लिख रहे हैं तो इसका ट्रांसलेशन y बराबर a प्लस बी एक्स हो सकता है, यहां से अगर हम शुरुआत करें तो ये मानना पड़ेगा कि जब हम ये मान रहे हैं तो इसमें बहुत सी चीजों को हमने छोड़ दिया, क्योंकि हम f के रियल फॉर्म को नहीं जानते, हम ये भी नहीं जानते कि जो एज है वो वेट को डिफाइन करता है, हम ये भी नहीं जानते इसके पहले का कि ऐसा कोई एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल होगा, थ्योरी होगी, वैल्यू होगी, जिससे कि हम तय कर पाए कि अगर ये हमको पता रहेगा तो गिवन द एज यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वेट, इसको हम निकाल सकते हैं, हम ये भी नहीं जानते। बट आउटराइटली वी जंप्ड टू अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप एंड डिफाइंड दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में। ये एक बड़ा सिंपल और हीरोइक ट्रांसफॉर्मेशन है। यू लेफ्ट मेनी थिंग एंड यू मेड मेनी एरर्स and that errors are known। तो ये जो relationship है ये बहुत से errors के तहत मानी जाती है और बहुत सी मान्यताओं के तहत है। इसलिए पूरा जो scientific method है that depends upon axioms, और इसीलिए इस पूरे knowledge को axiomatic कहते हैं। इसमें जो theoretical distribution है normal वो भी axioms पे depend करता है, जो method जिससे कि हम इसमें a और b की value निकालते हैं वो भी axiom पे depend करता है, और ये जो हमने ये माना कि y is equal to fx, ये भी एक तरीके का आर्टिफिशियल रूल है जिसको कि हम मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। देयरफॉर इट आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ एग्जाम्स, इसको उस रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जितने जो एरर हमने किया, वो एरर चाहे डेटा कलेक्शन का एरर हो, एरर चाहे y is equal to a plus bx लिखने का हो, क्योंकि x square भी हो सकता है, log x हो सकता है, या और भी बहुत से फॉर्म हो सकते हैं और बहुत से वेरिएबल हो सकते हैं जिनके लिए टेक्निकल शब्द जो होते हैं वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ऑल टाइप ऑफ एरर्स मिल इसको अगर हमको इंक्लूड कर दें तो वो एरर को अगर हम ई कह दें, अब एक रिलेशनशिप हमने शुरू कर लिया कि वाई पर ए प्लस बी एक्स प्लस एरर टर्म ई। अब ये वो रिलेशनशिप हो गई जिसको कि हमने एक्सियमाइज कर लिया, मान लिया, और इस रिलेशनशिप के बिना पे ए और बी की वैल्यू को अगर हम निकाल लें तो वाई को एक्स के टर्म्स में हम समझ सकते हैं, और इस चीज को हम एम्पिरिकली करना चाहते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो इट बिलोंग्स टू साइंटिफिक नॉलेज, और ये हम सोशल साइंस में कर सकते हैं। वहां पे हमको क्या करना होगा कि वाई के लिए हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, एक्स के लिए हमको डेटा कलेक्ट करना होगा, और एक्स और वाई इन दोनों के लिए
हमको इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना होगा जो कि एक्स के करेक्टरिस्टिक को और वाई के करेक्टरिस्टिक को ठीक ठीक रिप्रेजेंट कर पाए। ये सैंपल के लिए होगा और इस सैंपल के आधार पे और ए और बी की वो वैल्यू हमको निकालनी होगी जो कि पैरामीटर यानी कि यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर पाए। तो आप देखें कि इसमें वो जो ऑन्टोलॉजिकल बिलीफ है हमारी, वहां से इस मेथड को हमने डिराइव किया है। इसको करेंगे कैसे ये एक अलग से इश्यू है, लेकिन उसकी इसलिए ये इन चीजों पर हमने एम्फसाइज किया कि इसमें जो असम्पशंस हैं, इम्प्लिसिट असम्पशन, और इसमें जो आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य 1950 के बाद बदल रहा है। और तब आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके की क्वांटिटी से हम बहुत सी चीजों को नहीं समझ सकते, और ये विरोध आपका वहीं से शुरू हो जाता है जब आप कहते हैं कि ये जो हमने डेटा कलेक्ट किया है ये डेटा तो एक्स पोस्ट फैक्टो है, यानी घटना के घटित होने के बाद का है। ये डेटा वो है जो कि अगर मान लीजिए कि आज 2020 है तो 2020 के पहले का डेटा है, एंड यू रिग्रेस अपॉन। तो जब हम पीछे जाते हैं तो हम भविष्य के बारे में बहुत सी बातें नहीं कह पाते हैं। अगर हम ट्रेंड निकालते हैं या इसके बिना पे फोरकास्ट करते हैं तो जो भी फोरकास्टिंग की टेक्निक है इस डेटा के आधार पे कहते हैं, तो हम बहुत सी उन चीजों को फोरकास्ट नहीं कर पाते जो अभी घटित नहीं हुई है। और इसलिए सोशल साइंस में या साइंस में या आर्ट्स में उन चीजों को जो घटित नहीं हुई है अगर हमको समझना है तो फिर ये जो साइंटिफिक टेक्निक है ये अपर्याप्त है, नंबर वन। और इसलिए अब डेटा को हमको, जो डेटा हमने लिया है वो डेटा एक्सप्रेस फैक्टो हो, वो ऑब्जेक्टिव हो, वो माइंड और बॉडी को अलग अलग मानते हुए किया गया हो, उसको हमने इस तरीके से ऑब्जर्व किया है कि जितने इसकी जो शर्तें हैं वो जो एक्सियम्स हमने माने हैं उन एक्सियम्स के वायलेशन को कम से कम उसको इंकॉर्पोरेट करता हो, यानी उसको वायलेट न करता हो। अब उन एक्सियम्स को कैसे, उसके भीतर निहित ये जो हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई कहा, तो इसमें ई के से संबंधित क्या क्या असम्पशंस हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो नेसेसरीली सारा डेटा वायलेट करता है। तो इसलिए हमको ये कंट्रोल करना पड़ता है कि कम से कम वो वायलेशन हो, और अगर वो वायलेशन होगा तो ये जानिए कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ यानी पैरामीटर से आप डिफरेंट बातें कह रहे होंगे, तो जिसको आप सही कह रहे हैं तो द रिजल्ट इज नॉट साइंटिफिक, यू आर नॉट एबल टू मेक जनरलाइजेशन। साइंटिफिक इज यूज टू मेक जनरलाइजेशन, कि हम सीधे सीधे थ्योरी बना पाए, प्रिंसिपल बना पाए, और प्रिंसिपल राइट दैट द पॉलिसीज आर सिंपल टू अडॉप्ट। तो इन दोनों के बीच में फिर कोई भेद रह जाता। तो इस पूरे बिलीफ में अगर हम लाई करते हैं तो जो एक्सियम से हमको समझने की जरूरत है, उन एरर्स को समझने की जरूरत है, और उसको एरर्स को अगर हम प्रिसाइज शब्द में कहें तो ये हम मानते हैं कि ये सब इंडिपेंडेंटली है, यानी सारा डेटा हमारा डेटा यूनिट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट तरीके से ऑब्जर्व है, आइडेंटिकल कंडीशन ऑब्जर्व किया है और नॉर्मल से डिराइव किया है जो कि अनट्रू होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये एक तरीके का एक आइडिया है जिसे खोजा उसी ने, पर डेटा को जब नॉर्मल से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया तो नहीं मिला, तो नॉर्मल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए आर्टिफिशियली हम उसको उसमें ऑब्जेक्टिविटी लाते हैं, आर्टिफिशियली उसमें हम फिट करके नॉर्म सेट करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि पैरामीटर से के बारे में इसके बारे में बात कह सकते हैं, ये साइंटिफिसिज्म है। इससे जब रिवोल्ट हम करते हैं तो वो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, हम ये कहते हैं कि इस तरीके का यूनिवर्सल ट्रूथ एग्जिस्ट नहीं करता, हमको कॉन्टेक्चुअल ट्रूथ चाहिए। हमको जैसे उन्होंने कहा कि कल्चर और विज्ञान अलग है, तो इसका मतलब यह है कि अगर कल्चर स्टडी हम करें तो जैसे बनारस है या सुल्तानपुर है, तो सुल्तानपुर के लोगों के बारे में जो हम बात करेंगे वो अलग से होगी, और अगर लंका शहर के लोगों के बारे में बात करेंगे तो अलग होगी, बिकॉज वी बोथ रिप्रेजेंट डिफरेंट कल्चर। और अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन नॉट पुट एन इंग्लिश इन एन आयरिश जोक, है ना, अगर हीरो हम बदल दें और दूसरे कल्चर का रख दें तो आपको हंसी नहीं आएगी। तो हमारे कल्चर में यह है कि हम वहाँ सरदार जी रख देते हैं तो लोगों को वो जोक लगता है, अगर वहीं पे किसी और दूसरे को रख दें तो हो सकता है कि उतनी हंसी ना आए। तो इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर, ये जो कल्चरल भेद है ये इस तरीके के साइंटिफिक टेक्निक से नहीं समझा जा सकता।
यानी ट्रूथ इज कॉन्टेक्चुअल। तो अगर ट्रूथ कॉन्टेक्चुअल हो तब तो ये जो गणित हमने अभी कहा यह तो फिर प्रयोगहीन हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गणित इसी को इसी में बिलोंग करता है। तो अगर कॉन्टेक्चुअल ट्रूथ होगा तो फिर हम पैरामीट्रिक की जगह तब नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक्स को यूज करेंगे। अगर हम ये चाहें कि हम किसी, हम ये नहीं कहते कि हम जनरलाइज करना चाहते हैं, हम ये खाली कहें कि हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्टेक्चुअल ट्रूथ जो हो जाए इसमें हम नॉन पैरामीट्रिक तरीके से इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक होंगी, और अगर नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक है तो फिर हमारा जो डेटा होगा उस डेटा को हम कैसे करें और उसमें फिर क्या आस्पेक्ट होगा, इन चीजों को रखें। ये तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक, और चूंकि ये सब चीजें प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर, तो प्रोबेबिलिटी की जो डिफिनीशन है वो अगर बदल जाए तो पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक के बियॉन्ड एक तीसरा सेक्शन इमर्ज करेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी को सीधे सीधे हम डिफाइन करते हैं बेसियन, यानी वो सब्जेक्टिव होती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि बहुत से इंडिविजुअल जजमेंट को उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पे हम नहीं ले सकते जो सामान्य रूप से बीएससी में हमको पढ़ाई जाती है, जिसे कि एक्सियोमेटिक डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दे अब हम जब बेसियन प्रोबेबिलिटी या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी पे कहेंगे तो हम इंडिविजुअल जजमेंट ले सकते हैं ऐसा। तो इस पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के बाद जो सब्जेक्टिव इंडिविजुअल जजमेंट की बात है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये यूनिवर्सल एक फैंटेसी है, फैक्ट नहीं है, जो दे आर नॉट फैक्ट। हमको फैक्ट ये फैक्ट क्या सीधे सीधे हम पॉलिसी बना पाए। जैसे अगर इकोनॉमिक्स का एग्जांपल ले तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, लेकिन ये नियम ज्यादातर केसेस में लागू नहीं होता। आप देखें तो प्राइस एक स्ट्रेटजी का वेरिएबल है, और कई एक बार डिमांड कम हो रही हो तो डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस को यूज कर देती हैं कंपनीज, ये प्राइस बढ़ने वाली है और प्रोपोगेट करेंगी और प्राइस बढ़ा देंगी तो लोग उसको खरीदेंगे कि अगर प्राइस बढ़ा रही है कंपनी तो निश्चित रूप से इसकी डिमांड ज्यादा है, भविष्य में कमी होगी तो लेट अस परचेज इट, है ना। तो वो इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज हो सकता है। अब ये थ्योरी जो बनी ये एक फैंटेसी थी, और फैक्ट ये है कि प्राइस को एक स्ट्रेटजी की तरह यूज किया जा सकता है। तो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड थ्योरीज पे, यूनिवर्सल ट्रूथ पे बिलीव नहीं करता है, वो यूजफुलनेस चाहिए। तो इस तरीके से जो प्रेडिक्शन है गणित से या इससे हम कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन हम कैसे कर पाएंगे ये अगला प्रश्न है। तो इंडिविजुअल प्रेडिक्शन हम बेसियन के बिना पे कर सकते हैं, उसका एक सॉल्यूशन है, एंड देयरफॉर 1972 ऑनवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स में बेसियन इन्फरेंस और बेसियन जजमेंट ये मिस्ट्री तरह इमर्ज कर रहा है। अब अगर बेसियन होगा तो हमारा क्वेश्चनायर का फॉर्म बदल जाएगा, डेटा का फॉर्म बदल जाएगा, और जैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे वो सारी चीजें बदल जाएंगी। नाउ थर्ड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिवाइड की बात है। क्वालिटेटिव के रूप में हम ऐसा समझते हैं कि क्वालिटीज वो है जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब यह है कि संसार को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, एक क्वांटिटीज के शब्द में, एक क्वालिटीज के शब्द में। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट ट्रू। हम ये जब कहते हैं कि ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है, तो वी एक्सेप्ट आवर फेलियर टू क्वांटिफाई दोज क्वालिटीज। अगर हम किसी तरीके से उन क्वालिटीज को क्वांटिफाई कर पाए तो उस क्वालिटीज को भी हम समझ सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा तो हम ऐसे लेवल ना चाहते हैं, व्हाट जजमेंट इंपॉर्टेंट, किस लेवल का जजमेंट हो, कितना प्रसिशन हमको चाहिए, उस तरीके से उसको हम ले सकते हैं। तो जिसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं, जैसे बहुत से ऐसी चीजें जैसे जो ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव में जब सब्जेक्टिविटी आ जाएगी तो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट आ जाएगा। तो तीसरा प्रश्न इसमें इसी के साथ साथ ये होगा कि हम सब्जेक्टिविटी को कैसे थ्रू क्वांटिटी इनकॉर्पोरेट करें, है ना। तो अब क्वालिटी को अगर देखें तो ये जो 1950 के बाद पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में इमर्जेंस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है, और इसके जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को अगर हम देखें तो देयर आर फेजेस। वो ऐसा नहीं है कि ये क्वालिटी जंप किया और ये क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया। धीमे धीमे जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें अलग अलग स्टेजेस में क्वालिटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया।
जैसे सबसे पहला इनकॉर्पोरेशन हम ये देखें कि यही जो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स पर से एरर टर्म हमने लिया, ये रूरल और अर्बन के लिए अलग हो जाएगा। रूरल और अर्बन ऐसा है जिसको कि आप इजिली डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रूरल, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अर्बन। तो इस क्वालिटेटिव डिवाइड को, इस डाइकोटमी को आप 0-1 से रिप्रेजेंट करके जिसको कि डब्ल्यू वेरिएबल हैं, तो क्वांटिटी एंड मेक द होल डेटा सेट डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक क्वालिटेटिव, एक रूरल के लिए, कार्बन के लिए। तो पहला जो इनकॉर्पोरेशन है क्वालिटेटिव का, रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्स है जो क्वालिटेटिव आस्पेक्ट का क्वांटिटेटिव टर्म्स में, इसको सीधा सीधा देखें तो हम डिवाइड के रूप में ले सकते हैं, है ना। तीसरा ये है कि जिन चीजों को अभी हम सामान्य रूप से ये कहते रहे हैं कि हम मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को नहीं सॉल्व कर सकते, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत से ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिसको कि हम ये कहेंगे, जैसे अभी माया जी कहते तो वो कहते कि एक कवि की कविता का से जो आह्लाद उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना। लेकिन इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट को कैप्चर करने के लिए जो पैरेलल डिवाइस है, दैट इज नॉन लीनियर डायनेमिक्स। हम डायनेमिक तरीके से नॉन लीनियर रिलेशनशिप में इस तरीके के सॉल्यूशन को, इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सोशल साइंस में क्वालिटेटिव आस्पेक्ट का अल्टीमेट, जिसके भीतर निहित है कुछ कुछ दूसरे असम्पशंस निहित हैं, जिसमें अभी हम इसके बाद जिसके बारे में बात करेंगे कि वो संसार को किस रूप में ले रहा है, तो उसको सॉल्व करने का क्वांटिटेटिव तरीके से तरीका ये है कि वी रिसोर्ट टू नॉन लीनियर डायनेमिक्स। और अगर क्वालिटेटिव तरीके से उसको सॉल्व करेंगे तब फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम कहेंगे पोएटिक लॉजिक से इसको हम सॉल्व करना है। अगर पोएटिक लॉजिक का मतलब यह है कि जो लैंग्वेज में हम जो बात कह रहे हैं वो कई एक बार यूफोमिज्म उसमें हो सकता है, ध्वन्यात्मक हो सकता है ना। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो लिटरेचर से संबंधित हैं वो जानते हैं कि सीधे सीधे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कई एक बार डायरेक्ट हो सकता है, कई एक बार मेटाफोरिकल हो सकता है, कई एक बार ध्वन्यात्मक हो सकता है, यूफोमिज्म हो सकता है, शब्दों को कहाँ यूज कर रहे हैं इसके बिना पे हो सकता है ना। तो जो पोएटिक लॉजिक है वो एक्सप्रेशन को सीधा सीधा उस रूप में नहीं लेता है जैसा कि हम साइंटिफिक्स में लेते रहे हैं। साइंटिफिक में क्वेश्चनार बनाएंगे उसका एक सीधा उत्तर लेंगे, और पॉइंट रहेगा कि हम जो समझ के कह रहे हैं सामने वाला उसका दूसरा अर्थ समझ रहा है, और जैसे कह रहा है, जैसे कि अगर वो कहे, जैसे माँ कहती है एक छोटे बच्चे के लिए कि बड़ा बदमाश है, तो उसका अर्थ ये होता है कि आई लव इट, है ना। लेकिन क्वेश्चनार में अगर भरवा दिया तो बड़ा बदमाश है, तो इसके बिना पे आप जजमेंट नहीं ले सकते हैं। और उसका अर्थ क्या होगा, उसका भाव क्या है, ये बात समझना है, तो दैट इज अंडरस्टूड बाई पोएटिक लॉजिक, है ना। तो जो क्वालिटेटिव तरीके से अल्टीमेट रूप में हम पोएटिक लॉजिक के रूप में समझते हैं, ठीक उसी चीज को हम नॉन लीनियर डायनेमिक्स के रूप में समझते हैं। अब नॉन लीनियर डायनेमिक्स कैसे इमर्ज करता है, इसको ये समझें कि जैसे हमने y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहा, तो ये बहुत सी दूसरी रिजल्ट के रूप में ये अश्यूम करता है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन इसका होगा और एक उत्तर होगा। जैसे b की एक वैल्यू आएगी और आप ये प्रयत्न करते हैं कि ये b की वैल्यू पैरामीटर के बराबर है कि नहीं, लेकिन वास्तविक संसार में b की अनेक वैल्यू हो सकती है। तो ये जो अनेक वैल्यू का सरफेस है ये नॉन लीनियर है और ये बदल भी रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो मैथमेटिक्स में और इस तरीके से इसको नॉन लीनियर डायनेमिक्स के रूप में समझा जा सकता है, है ना। तो जो पैरेलल लॉजिक है वो नॉन लीनियर के रूप में, और ये उन प्रश्नों को उत्तर देता है जो कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हम ये मानते हैं समाज के रूप में, समाज के लिए सोशल साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में समान रूप से डिस्टर्ब करती हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्याओस, कैटास्ट्रोफ और नॉन लीनियर अकरेंस ऑफ फेनोमेना। चीजें एक तरीके की नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, कैटास्ट्रोफ है। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है कि सामान्य रूप में कैटास्ट्रोफ का अर्थ हम ये बताएंगे वो विध्वंसात्मक रूप से है। अगर एक उत्तर निकलता है तब तो सीधा सीधा है नो कैटास्ट्रोफ है,
लेकिन बहुत से उत्तर अगर निकलते हैं तो जो सॉल्यूशन का सरफेस है हमारा वो कैटास्ट्रोफिक है, वो विध्वंस की तरह दिखाई देता है। कभी कभी ये उत्तर समझ में आए, कभी वो उत्तर समझ में आए। तो जो कैटास्ट्रोफ है, क्याओस है, इस तरीके की चीजों को हम नॉन लीनियर डायनेमिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है वैसे वैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च का जो पैरेलल इमर्ज कर रहा है, क्वालिटेटिव तरीके के प्रश्न जिससे हम पूछ रहे हैं, उसको हम नॉन लीनियर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उस पोएटिक लॉजिक को क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटीज के रूप में उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसके आधार पे उन्हीं टेक्निक्स का, उन्हीं एक्सियोमेटिक रिलेशनशिप का वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को यूज करके हम भविष्य के बारे में बहुत से उत्तर दे सकते हैं। जो पॉइंट हम ये करना चाहते थे वो ये है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिवाइड ये हमारे खुद की हमारे पसंदगी का एक चॉइस का इशू है। सेम इशू को हम क्वांटिटेटिवली भी टैकल कर सकते हैं और उसको हम क्वांटिटेटिव और उसको हम क्वालिटेटिव तरीके से भी टैकल कर सकते हैं। हर चीज का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट है और जैसे जैसे समस्याएं बढ़ी हैं तो ये ऐसा नहीं है कि क्वांटिटीज उसका उत्तर देने का प्रयत्न नहीं कर रही है, उसका वो बेहतर तरीके से उत्तर देने का प्रयत्न कर रही है और भविष्य को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयत्न कर रही है। होगा यही कि संख्याओं का अर्थ बदल जाएगा, संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन आएगा, संख्याओं का लेजिटिमेसी बदल जाएगा, संख्याओं का यूज बदल जाएगा, यानी प्रैक्सिस बदल जाएगा। यही जो तीनों क्राइसिस है मॉडर्न वर्ल्ड की कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट जो नॉलेज है हमारा, दे आर नॉट लेजिटिमेट एंड देर इज नो प्रैक्सिस, इस थ्योरीज का यूज नहीं है। तो यू कैन यूज द क्वांटिटीज इन यूजफुल मैनर, आप इसको लेजिटिमेट नॉलेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। और तीसरा, यू कैन फाइंड क्वांटिटीज दैट कैन रिप्रेजेंट द फेनोमेना यू आर इंटरेस्टेड इन, है ना। अब ये जो टोटल ड्राइव है हमारा, क्योंकि एक सिंपल लेक्चर है और इसमें हर लेवल पे, जैसे अगर हम 1950 के पहले या पैरामीट्रिक तरीके से चलें तो उसमें मीन मीडियन मोड और ये सब किस तरीके से होगा, कैसे वो सेंट्रल टेंडेंसी इंपॉर्टेंट होती है और ये रिजल्ट क्या बताता है और इसके लिमिटेशन क्या है, फिर उसको हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। फिर यही मीन मीडियन मोड छोड़ के फिर हम दूसरे टेक्निक्स पे कैसे चलें, कैसे हम रिग्रेशन के ही कोएफिशिएंट को भिन्न रूप से अलग डेटा से नए तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे एक y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की जगह पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो सकता है और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिमुलेशन की तरह डायनेमिक वर्ल्ड में कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें इतनी डिटेल हैं कि इसको किसी एक लेक्चर में आप कंपाइल नहीं कर सकते। तो हमने एक्चुअली इट वॉज नॉट अ लेक्चर एज सच, हमने कुछ कुछ चीजों को टच किया है, ऐसे ऐसे शब्द जो शायद आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो इन चीजों पे सोचें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। अब एक अंतिम कंक्लूशन के रूप में कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड इस साइंटिफिक्स को कैसे लेगा, सोशल साइंस में स्पेशली। पिछले बार जब हम आपके यहाँ लेक्चर दे रहे थे तो हमने एक चीज उसमें कहा था, इररिवर्सिबिलिटी। जितने आंकड़े हैं, जो डेटा यूनिट है, जैसे 1911 का जो आंकड़ा है 1912 के आंकड़े से हम 1911 पे नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो वर्ल्ड इज नॉट द सेम, यानी डेटा भी इररिवर्सिबल है। तो इस इररिवर्सिबिलिटी को अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो विजडम हमने इससे डिराइव किया है, तो अब हमको नए टेक्निक की जरूरत है और ये या इसी टेक्निक को नए कॉन्टेक्स्ट में यूज करने की जरूरत है। यानी अब देखिए, अगर डेटा इररिवर्सिबल हो तब आप ये कह पाएंगे कि हम प्रेडिक्ट उसके आधार पर करेंगे कि अगला कैसा है, ये हम जानना चाहते हैं, इसको हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर डेटा सेट मान लीजिए 1911 से लेके 2000 तक का आपका डेटा सेट है और आप इस पे अगर कोई रिग्रेशन रन करते हैं तो ये इसके मिड वैल्यू के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। अब ये बताएं कि इसका जो मिड वैल्यू है वो कैसे उस कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर कर सकता है दैट विल अपीयर इन फ्यूचर, उसको नहीं कर सकता है, है ना। इसलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अब हमको डिफरेंटली यूज करना होगा, जिसको हम रोबस्ट सॉल्यूशन कहते हैं, यानी सारे एरर को कंट्रोल करके हमने सॉल्यूशन दिया बेस्ट फिट फॉर पैरामीटर।
अब उस रोबस्ट की जगह हमको इररिवर्सिबल सॉल्यूशन की जरूरत है, देन यू कैन मेक प्रेडिक्शन, है ना। तो जिसको आप पोएटिक लॉजिक से, कांट कहता है कि समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस आर इंट्यूटिव मेजर, ये उस तरीके से समय नहीं होता जैसा समय हम कैलेंडर का समझते हैं, उसे न्यूटनियन टाइम कहते हैं। इंट्यूटिव मेजर यानी इंट्यूशन से हम समय को समझ सकते हैं, स्पेस को समझ सकते हैं, है ना। तो इंट्यूशन को पोएटिक लॉजिक ट्रांसलेट करता है। तो अगर हम इंट्यूशन को क्वांटिफाई करते हैं इस फॉर्म में कि भविष्य के बारे में कैसा है और पीछे लौट के नहीं आ सकते, इरिवर्सिबिलिटी उसमें नहीं है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जगह अगर इसको हम दूसरे तरीके से वेट दे के यूज करते हैं सेम टेक्निक, तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ने हमको टेक्निक के रूप में इट हैज मेड अस वाइजर, और बहुत सी चीजें जिसपे कि आप देखेंगे तो जो वर्ल्ड वाइड अभी ब्लॉक के लेवल पर जो डिस्कशन है, थ्योरी के लेवल पर वो बात नहीं आई है, हम मतलब ये खाली लोकल बात नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड के लेवल पे इंटेलेक्चुअल फोरम पे ब्लॉग में जैसे ये समस्या ऐसे डील किया जाए। तो बेसिक समस्या जो है, आप जिसके बारे में अभी प्रश्न करेंगे कि बेसिक समस्या डेटा की है, वी डू नॉट हैव अ डेटा सेट दैट रिप्रेजेंट्स फ्यूचर, हमको फ्यूचरिस्टिक डेटा चाहिए। कुछ एग्जाम्पल फ्यूचरिस्टिक डेटा का, एग्जाम्पल अगर इकोनॉमिक से ले तो शेयर की प्राइसेस फ्यूचरिस्टिक डेटा है, कि शेयर की जो प्राइसेस होती हैं वो पीछे के एक्सपीरियंस पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो भविष्य के एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करती हैं, तो दैट इज फ्यूचरिस्टिक डेटा, है ना। तो वो जो फ्यूचर के बारे में डेटा है वो हमारे पास नहीं है, और उसको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, ओनली द फ्यूचरिस्टिक डेटा कैन इनेबल यू टू टेक जजमेंट। तो इफ यू कैन क्रिएट फ्यूचरिस्टिक डेटा बाय सम मेथड, and that obviously could be intuitive method, intuitive तरीके से उसको कर सकते हैं, है ना? तो वो डेटा सेट हमारा फिर irreversible भी हो सकता है, और उसके आधार पे हम भविष्य के बारे में भी जजमेंट ले सकते हैं, उन जजमेंट्स को भी ले सकते हैं क्वान्टिटिव तरीके से, जिसको आप समझते हैं कि वो कवि ही ले सकता है, माया शंकर जी ले सकते हैं, वो कोई सोशल साइंटिस्ट या साइंटिस्ट नहीं ले सकता है। तो क्वान्टिटीज आर अ मेथड, क्वांटिटीज एक टेक्निक है जिससे ज्यादा प्रिसाइसली आप उन चीजों को भी टैकल कर सकते हैं जिसको कि आप क्वालिटी से कह सकते हैं, है ना। दैट इज माय समिशन। और चूंकि बहुत सी चीजों को खाली हम ग्रोथ ऑफ क्वांटिटीज पे बात कर रहे थे, और अगर आप ये हुई क्वेश्चनार कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चनार आप बनाएंगे साइंटिफिक कर, एंड दैट इज नाउ ऑब्सोलीट, है ना। आप क्वालिटी की तरह ओपन एंडेड क्वेश्चनार बनाएंगे तो आप फिर उसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो उसके अलग मेथड्स हैं कि उसको कैसे एनालाइज किया जाए, तो दैट इज अनदर सेक्शन। लेकिन इन सब से ऊपर ये जो मेन डिवाइड है, फिलोसॉफिकल डिवाइड, ये पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, बेसियन और इरिवर्सिबिलिटी, है ना। इस तरीके के डिवाइड से हम उन सारे प्रश्नों का उत्तर समझ सकते हैं जिसको कि क्वालिटेटिव टेक्निक देने की कोशिश करती है। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।